प्रणाम सदा स्वागत हो पर क्या बात है कि आज तेरे दिल चंचल है, चेहरे पर बहुत अच्छी खुशहाली छाई हुई है। कितनी वर्षों के बाद इतनी खुशहाली में मैं तुझे देख रही हूँ। बहन अगर साया जान जाएगी तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। अरे ऐसी खुशहाली है हाँ। तो भला खुशी के बारे में मैं भी जान लू सुनाऊ। हाँ, क्यों नहीं बहन। आज मेरी नैहर में मेला लगे है। मुझे पता चला कि मेरी नैहर नरवर किला में मेला लगे है। बड़े ही धूमधाम से मेरे पिताजी जग कर रहे हैं। उस सब में सैकड़ों लोग जा रहे हैं देखने के लिए। कितना रानी महारानी जा रही है, कितना बेसिया बंगाली जा रहे हैं, कितना राजा महाराजा जा रहे हैं। शायद उस मेला में सी हाथ का झूला भी लगा है। मेरी भी इच्छा करती है कि मैं भी मेला जाकर के सफल बना लूं। क्या इरादा है। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई थी। सही में तूने कहा कि अब सुनेगी तो खुशी से झूम उठी। कितने साल के बाद आज मेरी गोदनी के दिल में ऐसी खुशी जगी किसकी नैयर में मेला लगी है। और समझ ले बहन, तुम्हारी नैयर में मेला लगी है तो मेरी नैयर में मेला लगा है। और इसमें उस जग में भाग लेने के लिए मैं तुझे जाने के लिए नहीं जा जा तू तो समझ ले उस पाप की भागी मैं बनूंगी। तो जाने के लिए तुम तैयारी हो तो मेरी तरफ से इजाजत इजाजत है कि जितना जल्द हो उतना जल्द सज धज के तुम अपनी नैयर आकर चले जाओ। एक बात कहूं बहन, दो बात बताना बहन। कौन आगे अकेली जई बई के नहिराया पा। कौन आगे अकेली जई बई के अपना नहिरा। तुम्हारी क्या विचार है, क्या आदेश है, मैं मिला जाऊं या ना जाऊं? क्यों नहीं जाएगी? जिसके पास इतना वीर बलवान पति मिलेगा उसके साथ नैहर नहीं जाएगी। जाने के लिए कमी है। पति तुम्हारा है, पति को साथ करके चली जो। साथ में खेलोड़िया डेवा पंडित है उसके साथ चली जो, तुम्हारी मर्जी है। बहन मेरा स्वामी ना जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल का डाकू है वो। छह महीने जंगल में रहते हैं तो दो चार रोज अपना मम्मी किला में रहते हैं। उसे जंगल से प्यार और मम्मी किला से इनकार रहते हैं। लेकिन करूंगे क्या, जिस टाइम में मेरे पिताजी ने मेला लगाया उस टाइम में अभी कोई घर पर है नहीं। अभी मेरे स्वामीनाथ जंगल गए शिकार खेलने के लिए, लौट करके नहीं आए हैं। जब तक वो लौट करके आएंगे तब तक मेला खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरी इच्छा क्या है पता है? डालेल जराना ये पति के साथ नहीं देते हो बाबू। अगर पति जंगल चल रहे थे कोनो विदेश चल गए। आज काल तो देखे जो विदेशों से लोग तुरंत चले आवे छे। जेल से निकलले ना ओने दिल्ली गेल आ जरूरी पड़ल निकालला।
हेलो हाँ कि नहीं आगे में है ये है भाई यार नहीं है ठेकेदार हिसाब ले दीजिए बाजार कहाँ से आगे लगा पैसा कमाए भाई आई आबू बेचारा अब खातिर हिसाब छोड़ दे इमरजेंसी टिकट बने लग फ्र से पहुंच जाए देवर गेल हमर जंगल में की चाहिए एक बेर हला करवे हर से पहुंच जेते बहन मेरी मन में जो अभिलाषा है सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए आगे पगली पति के साथ जे भी ना देखे छी कचरासन के मेला मिलतो हाँ रंग बिरंग के सामान किन के दतो हाँ यहाँ से सहरसा शहर मिलतो हाँ इतने सामान तोरा किन के दतो कि मन तो तोर गद गद भ जतो लाग भी यार नहीं कि हम बुलल जाए छे कि सफारी से जाए छे हेलो हे के तारा मगे तरक का सनाते तो पिया हुआ किन हके गे मुझे क्या पता इतने सामान तक किन के देवे कर दो तोरा आ अब तब जाके देखिए देखिए उंगली पकड़ा दे अना का पकड़ लक सुन ली अना सब हो गया अना का कचा धेला हे गे वंगरी गे पकड़ का पियाबा स्वामीनाथ जंगल से आएंगे तब तक मेला खत्म हो जाएंगे अब मेरी मन की लालसा मन ही में आ जाएगी कितना तो मैं इंतजार करूंगी तो अपने पति के साथ नहीं जाएगी डेरा नहीं जाऊंगी साथ में जाएगी तो फिर नहीं जाऊंगी मैं उनके साथ किसके साथ किसके साथ जाऊंगी हे गे सांगा गे लगा दे बाहर इंदा लगे बाबू क्या गे सांगा गे लगा Oh, my God.
लेके जाएंगे मुझे बाबू इंदर सिंह को साथ लगा दे। एक हफ्ता के अंदर में मैंने मेला दिखा करके अपने जग को देख करके मैं सफल बना लूंगी और बेटा को जैसे ही इधर से ले जाऊंगी वैसे ही वापस लौट करके चले जाऊंगी। तुम्हारी कहना सही है बा, बेटा देने से कोई इनकार नहीं है, कोई इतराज नहीं है, लेकिन बेटा खतरे के निशान से चल रहा है। बेटा खतरा के निशान से चल रहा है। बेटा के बारे में अगर सुनेगी ना तो जिस तरह से बिजली छिटक कर आसमान से नीचे गिरती है उसी पार तुम गिर जाएगी। क्यों, क्या बात है? ऐसा दुर्घटना बेटा के साथ बीता है कि पूरी मूवी राज बेघर हो गया था, लेकिन उसी बेटा पर अब टिकान है कि मूवी राज शांत है। क्या हुआ था बेटा को? सुनाती हूँ। एक दिन की बात है कि मेरे स्वामीनाथ ने इंद्र सिंह को बुलाकर दरबार में उसे हाथ में तीर तलवार से थमा दिया और कह दिया कि बेटा इसी टाइम तू यहाँ से रवाना हो जाओ, चले जाओ मैदान में तलवार सीखने के लिए। तलवार सीख कर तुम वीर बनोगे, बलिष्ठ बनोगे, कवच कुंडल बनोगे, तो अपने चाचा का सहारा हो जाओ। बेटा तो अपने पिता की वचन को मान लिया, दरबार से रवाना हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद वापस आ गया। वापस आता ही इंदल सिंह ने दरबार में तलवार फेंक दिया और मेरे स्वामीनाथ से कहने लगा, पिताजी मैं तलवार नहीं सीखूंगा, मेरे दिल में अभिलाषा है, मेरे कलमज में नाम लिखा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। बेटा का इतना सुनते ही स्वामीनाथ ना आग बबूला बन गया, गुस्सा के मारे उठा, तलवार को उठाकर कमर में रखा और बोला, इंदल सिंह अगर तुम भला चाहते हो तो इसी तलवार को फिर से हाथ में लो और दोबारा वापस जाओ जंगल में तीर तलवार सीखने के लिए। इंदल सिंह ने कह दिया कि पिताजी, इंदल सिंह एक बार बोलता है हजार बार नहीं बोलता, मेरा सर कट जाएगा, मुझे मंजूर है, मैं तलवार नहीं सीखूंगा, मेरा नाम लिखा दीजिए कन्वर्स टू में पढ़ूंगा। चलो बा बेटा, मैं तकरार चल रहा था, स्वामी जी को गुस्सा बर्दाश्त नहीं किया, झट से इंदल सिंह को झोटा पकड़ा, सर जमीन पर लेटा कर सैकड़ों कोरा उसके बदन पर बरसा कर उसको नॉर्मल कर दिया, उससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं, उल्टा बांध बांध के जाकर कैद घर में डाल दिया। बेटा रो रहा था बिलख के, मेरे कान तक आवाज पहुंची, मैं चिल्लाते हुए उठी कि बेटा कहाँ रो रहा है, खोजते खोजते गई तो कैद में रो रहा था, मैंने खोल कर आजाद कर दिया। बेगर इजाजत की खोलना देरी, स्वामीनाथ का पारा गरम हो गया, प्यार से मुझे बुला लिया, मैंने पहुंच गए उसके सामने, मुझसे सवाल करने के, रानी जिस कैदी को मैंने कैद किया था तुम कौन खोलने वाली होती हो? मैंने उसे जवाब दिया, मैं उसकी माँ थी, मैं माँ होने के नाते उसे खोल लिया। मारे गुस्सा की अखियां लाल पियर कर लिया, दो चार बात की जवाब दिया, मैं भी दो चार बात की वो भी जवाब दिया। मैंने सोची कि स्वामीनाथ गर्म होकर बोल रहे हैं, थोड़ा कड़ा आवाज में मैं भी बोलूंगी, स्वामीनाथ शांत हो जाएंगे, बेटा की जिंदगी बच जाएगा। लेकिन दो चार बार जो मैं कड़ा आवाज में बोली कि मेरी भी चूरा थम लिया, सर जमीन पर लेटा कर दस कोरा मुझे भी अजमा दिया, मेरी भी मन गदगद हो गई, मैं वहां से जान बचाने के लिए भाग गई, फिर दोबारा कैद में डाल दिया। ना जाने की ये बात कैसे देवर को पता चल गया जंगल में कि इंदल सिंह को कैद कर दिया भाई साहब, इंदल सिंह कैद में रो रहा है। सुनते आ गया बताल हो गया, घोड़ी रसबिंदली को सजाया, मखमल की चादर डाल दिया, खुशबू छिड़ दिया, घोड़ी पर सवार हो गया। गुस्सा के मारे देवर ने ये चाबू खींच के घोड़ी की दिया, घोड़ी भी गुस्सा के मारे दो पर जंगल में रखा, दो पर तरहर में डाल दिया। शेर की तरह देवर उतर गया, इंदल सिंह से जवाब करने लगा, बेटा बोल कौन सा गलती तूने भाई साहब के साथ किया था कि मेरे भाई ने तुझे मार कर पीठ को छलनी कर दिया है और कैद घर में डाल दिया है। इंदल सिंह रो रो के कहने लगा कि चाचा जी मैं कोई गलती नहीं किया, मेरे तलवार सीखने के लिए दिया, मैंने तलवार सीखने से इनकार गई, मैंने कहे पिताजी मुझे कन्वज में नाम लिखा दीजिए, मैं कन्वज में पढ़ूंगा लिखूंगा, बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा, कोई भी काम करूंगा तो अपने दिल दिमाग से करूंगा। ये बात देवर के दिमाग में सेटिंग हो गया, देवर ने गुस्सा के मारे बेटा को खोला, उसी घोड़ी पर बैठाया, लेकर रवाना हो गया कन्वज को नाम लिखाने के लिए। इधर स्वामीनाथ को पता चल गया कि बेगर इजाजत का एक बार तो मेरी पत्नी खोला, लेकिन अब की बार मेरा भाई भी बेगर इजाजत का खोल कर लेके चला गया, तो इसका मतलब ये दरबार में मेरा कुछ नहीं चलता है। देवर स्वामीनाथ भी उसका पीछा किया, तब तक मैं देवर नाम लिखा कर लौट रहे थे, दोनों शेर रास्ते में टकरा गया। स्वामीनाथ कह रहा था कि रुदल सिंह अगर भला चाहता है तो कन्वज से नाम कटा कर इंदल सिंह के हाथ में तलवार दे, इसी टाइम जंगल में क्यों भेज,
देवर का रहता भैया जो नाम मैंने लिखा दिया तो अब नाम हरगिज नहीं कटता। दोनों भाई में तकरार चलने लगा कि तुम नाम कटागे जंगल भेज, देवर का रहता बेटा जंगल नहीं जाएगा कन्नौज में पड़ेगा। चलते 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 बाद एक देवर की जबान से निकल गया, भाई साहब दोनों भैयारी में कटाकटी हो जाएगा, तलवार चल जाएगा, मुझे मंजूर है लेकिन बेटा का नाम कन्नौज से नहीं कटेगा। दोनों शेर दोनों तरफ पलटी ले लिया। उसी टाइम देवर ने जाकर मास्टर को चालान ठोक दिया कि मास्टर मेरे बगैर इजाजत के तुमने इस बच्चा को अगर छुट्टी दे दिया तो छीन ले तुम मेरा नाम रुद्र सिंह है, तुम्हारे कुल परिवार को भक्सी झोंका कर जान मार दूंगा। मास्टर बेचारे मजबूरी के हालात में फंसा हुआ है, बेटा खतरा की नोक पर चल रहा है, तुझे नैयर की लालसा लग गई है, एक की बार तू अपने पति के साथ चली जो वहां देवा पंडित के साथ चली जो नैयर में सखी सहेलियां सभी से मिलकर करके चलिया, इसके बाद जब जिस टाइम तुम बेटा की लालसा लगेगी जाने के लिए नैयर एनी टाइम बेटा फ्री रहेगा। मास्टर साहब को बोले मेरे स्वामीनाथ की मास्टर अगर बच्चा को छुट्टी दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार दूंगा। डर के मारे मास्टर साहब एनी टाइम उसके ऊपर निगाह रखता है। मास्टर साहब मृदा सिंह के ऊपर पूरी निगरानी रखते हैं। बहन तुम्हारी ऑर्डर चाहिए, सिर्फ तुम मेला जाने के लिए बेटा का ऑर्डर दे दे, मुझे ऑर्डर दे दे, बेटा की इजाजत दे दे। मैंने जिस मास्टर साहब को मेरे स्वामीनाथ ने मना करके आए हैं कि छुट्टी नहीं करना है, मैं भी उस कन्नौज जाऊंगी। मास्टर साहब को बोल दूंगी मास्टर साहब इस बच्चा को छुट्टी कर दीजिए। जिस बेटा के चलते देवर अपने भाई के ऊपर तलवार उठा लिया और उसे मैं छुट्टी करवा के तेरे हाथ लगवा दू तो मुझे जान मरवाएगी क्या? ऑर्डर अपना भाई को नहीं बख्शेगा देवर तो मुझे क्या बख्शे? सिर्फ तू ऑर्डर दे दे, मैं कहां से ऑर्डर दूंगी? अगर ऑर्डर दे देती है तो मैं भी जाऊंगी करवाज और मास्टर साहब को बोल दूंगी कि मास्टर जो पुरुष ने तुम्हें कह दिया कि इस बच्चा को छुट्टी दिया तो भक्सी झोंका करके मार दूंगा, मैं भी उस पुरुष की पत्नी हूँ, मैं कह रही हूँ इस बच्चा को छुट्टी दे दे, अवश्य वह छुट्टी दे देंगे। भगवान ऊपर नीचे आ जाएगा ऊपर से, फिर भी मास्टर छुट्टी नहीं दे सकता। मैं न जानूंगी, मैं तुझे नैहर जाने के लिए ऑर्डर दिया मेला देखने के लिए, बेटा के बारे में ऑर्डर नहीं दूंगी। बेटा के बारे में तू ऑर्डर दे दे बहन, मैं जानूंगी कि इंदा सिंह को कैसे ले जाऊंगी। बेटे की बात रह गई, बेटा का एक रुमा टूट गया तो दोबारा रुमा मैं दूंगी, बेटा का खरगोश का कलेप लग गया तो तू मुझे जान से मार देना। हे दे तोहरा गे नहिरा मैं बसई छौटनिया मागी गे चुकी है। दूसरा के बेटा से कोई बेटा वाली कहला बेचे के, दूसरा के धन से कोई धन वाला कहला बेचे है। आसरा बेटा छी आज तक रानी फूला जिंदा रही सिर्फ इंद्रजी की बदौलत,
आज तक यही सोचते थे कि इंदा सिंह रानी फूला का बेटा है, जो को मैं कहूं कि वही बात मानेंगे। और मैं बेटा सोचती थी कि मेरे बेटा को पाल पोस कर टोपरी नैयर चले जाएगी और मेरा बेटा को भी खत्म कर देगी कि दोनों पर्रा बराबर हो जाएगी। जिस तरह तू बाल्टीन है उस तरह मुझे भी बनाने के लिए चाहती है, वो भी राज की चिराग को बताने के लिए चाहती है, यही तुम्हारे दिल में बन रहती है। कोई माँ ये नहीं सोचती है कि मेरा बेटा मर जाए। फिर मैं अपने पति के साथ क्यों न जाती हो, तुम देवर देवा पंडित के साथ क्यों न जाती हो, मेरे बेटा पर क्या दाल मलाल है कि बेटा को लेके जाओगी। मेरी साथ मजबूरी है कि वो जब तक आएंगे तब तक मेरा खत्म हो जाएगा, मेरी मन की लालसा मन ही में रह जाएगी। कोई मजबूरी नहीं है बेटा, नहीं देगी तू बेटा, हरगिज नहीं दो। हे गे दुर्गा के चढ़ हुआ दे बहु के इंदा।